तो गाइस आज मैं वो काम करने जा रही हूँ जो आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे। मैंने कहा चलो आज आप लोगों की बात भी रख लेती हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये भी ट्रिक ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें मैंने पानी डाला है, पानी अभी कम है, थोड़ा सा और डालूँगी। और यहाँ पर मैंने आधा नींबू डाला है और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच। मैंने डाला है कपड़े धोने वाला सर्फ़ जो आता है, कोई सा भी आप डाल सकते हो। तो ये वाली ट्रिक मैंने अपनाई है क्योंकि कढ़ाई जो है ना रगड़ रगड़ कर मैं परेशान हो गई थी, साफ़ नहीं हो रही थी। मैंने कहा चलो ये भी वाली ट्रिक अपना लेती हूँ। तो ये देखिए, इसको मैंने 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पका लिया है ताकि जो गंदगी है ना वो सारी निकल जाए। जब ये अच्छे से पक गई है ना, ये देख रहे हो ना, जब ये अच्छे से पक जाएगा तो हमें क्या करना है, इसका पानी जो है ना एक वो लेना है, टब तसला जो भी आपके पास होता है ना उसमें आपको डालना है। उससे पहले आपको इसको अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पर हम एक तसला लेंगे इस तरीके से, ये देखिए इसमें मैं जितना पानी है ना कढ़ाई वाला वो डालूंगी, थोड़ा सा बचा लूँगी। आप लोगों के कहने पर ये सारी चीज़ें मैंने की हैं। आप लोग बोल रहे थे दी आप कढ़ाई चेंज कर लो और ये ऐसा कर लो, तो मैंने कहा कि उससे अच्छा ये हम कर लेते हैं। और अभी मैं आप लोगों से थोड़ी सी भी बात करूंगी। इसको मैंने अच्छे से 5 मिनट तक घुमा दिया है नीचे, ताकि जो नीचे की पेंदी बोलती है ना वो भी अच्छे से फूल जाए और साफ़ हो सके। वैसे तो मैं काफ़ी अच्छे से साफ़ कर लेती थी रगड़ कर, लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पा रही थी। जब आप तेल वगैरह निकालते हो ना तो वो नीचे कढ़ाई में चू जाता है और साफ़ नहीं हो पाता। और यहाँ पे देखिए बाबू मुझे बहुत ही तंग कर रही है, परेशान कर रही है। ट्राईपॉड में मैंने फ़ोन लगा रखा है, क्या करती है वो, कभी जूम कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी बंद ही कर देती है। तो आप देख रहे हो उतने अच्छे से कढ़ाई मेरी ये देखिए नहीं चमक पाई है और ये जूम कर रही है। आप देख लो इसकी करतूत, बीच में बहुत देर तक इसने जूमिंग करके रखी हुई थी और मैं इसको काफ़ी रगड़ रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये ट्रिक काम करती है। और आप लोग ट्राई कीजिएगा, बट मुझे नहीं लग पाया। इसके बाद मैंने क्या किया, जैसे मैं रोज़ मांझती हूँ ना ईंटा ले लेती हूँ, जो होता है ना ईंट जिसको बोलते हैं, तो उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लो तो उससे काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो अभी मैं उसी से रगड़ रही हूँ। ये ट्रिक मैं बीच बीच में करती हूँ, रेगुलर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आधा घंटा 15 मिनट आपको देना पड़ता है। तो ये देखिए मेरी कढ़ाई आज कितनी ज़्यादा चमक रही है ना, आप लोग बताइएगा चमक गई है कि नहीं। तो चलिए मिलती हूँ अभी आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और आप लोगों ने बोला था ना दी आप अपनी कढ़ाई चेंज कर लो और ख़राब हो गई है। तो डियर मैं मेरी सासू माँ के पूछे बिना पहले सबसे हाय कर लो। छोटी बांधे इसकी छोटी बांधे आप बांध लो ना। आप क्या कर रहे हो, आप सबसे हाय तो कर लो। इधर देखो बाबू, तो आप लोग बोल रहे थे दी आपकी कढ़ाई थोड़ी सी मैसी है, मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, प्लीज़ आप लोग ये मत समझिएगा कि मुझे बुरा लगा या फिर मैं आप लोगों को कुछ बोल रही हूँ, नहीं मैं आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ कि आप लोगों ने बोला था ना दी और सोफा कवर हटा हुआ है ना, गया था धुलने के लिए, अभी मुझे इससे लगाना है। तो उससे पहले मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ, कुछ बात कर लेती हूँ। तो आज आप लोगों ने देख ही लिया कि मैंने अपनी कढ़ाई को चमका दिया। हाँ वो पहले से लगा था बेटा, तुम लगाए? नहीं बेटा हम नहीं लगाए, वो लगा हुआ था। तुम लगाए? नहीं तुम बोलो हाय गाइस, हाय गाइस। हाँ मम्मा झूठ बोल, बाबू झूठ बोल। तो मैं उसे चेंज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मम्मी की है, पुरानी है और इतनी मतलब कि हमारे यहाँ ये नहीं है, पहले से लगी है बेटा, किसी की नहीं है, वो सोफे में लग के आई थी। पापा हट लाए, पापा दुकान से लाए बेटा। तो क्या है, मैं बार बार टॉपिक से अलग चली जा रही हूँ, प्लीज अगर इधर उधर बोल तो माइंड मत लीजिएगा। हाँ बेटा बना रहे हैं इसकी चोटी। तो क्या है, तो क्या था, क्या बता रही थी, हाँ तो वो जो है ना मम्मी की है, बहुत पुरानी है, तो उनके बिना परमिशन के मैं चेंज भी नहीं कर सकती हूँ। और सेकंड की चीज़ क्या है कि आपको पता ही कि हम इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना ही वो ख़राब है, ना ही वो टूटी है, ना ही वो चटकी है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। एक मिनट मैं यहाँ से हट जाऊँ वरना ये बात करने नहीं देंगे। तो
ऐसा कुछ नहीं है उसमें डियर, तो इसी वजह से मतलब कि अगर हम, ये है सोफा कवर, अभी मुझे इसे लगाना है, सूख गया है। और हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, तो इतनी जल्दी जल्दी हम नहीं चेंज कर सकते। अगर हाँ हमारे पास उतना बजट होता, उतनी सारी चीज़ें होती और हम अफोर्ड भी कर पाते तो हम ना करते, क्योंकि यार हमारे लिए छोटी सी छोटी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। हम, मुझे ये लगता है कि वो चीज़ें जितना चल सके उतना हम चलाएं, इतनी जल्दी नहीं हटा देते हैं। हमारे यहाँ ये है, चाहे वो 10 साल पुरानी क्यों ना हो जाए, मेरी सेम प्रॉब्लम है। मेरे जो कपड़े हैं 10 से 8 से 7 साल पुराने आपको मिलेंगे, और नए मैं उनको जल्दी घर में भी नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना हो सके उतना हम उनको चला ले। बस बहुत सोच मेरी अलग है थोड़ी सी, तो इसलिए आज मैंने उसे चमका दिया रगड़ लगा के। अभी 2-3 बार करूँगी तो अच्छे से चमक जाएगी। तो बस अभी आप लोगों से इतनी बात करना था, और अब हम जा रहे हैं, मुझे निकालना मेकअप लुक। इससे पहले मैं सेट कर देती हूँ मेरा सोफा कवर, फिर हम निकालते हैं मेकअप लुक, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मेकअप लुक निकालने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो चलिए थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस ये देखिए मेरा पूरा फाइनल लुक, मैं रेडी हो गई हूँ, और इस तरीके का मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है। आप इसे चाहे अप्सरा लुक कर सकते हैं, या फिर आप इसे क्या बोलते हैं यार, हल्दी मेकअप लुक कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसे सोच के रखा हुआ है, हल्दी मेकअप लुक के लिए मैंने इसे किया, लेकिन अप्सरा से भी कम नहीं लग रहा ये वाला मेकअप लुक। तो जो ये वाला मेकअप लुक है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैंने येलो साड़ी पहनी हुई है इसमें। एक मिनट को दिखाती हूँ, और ये रही मेरी चूड़ियाँ, कैसी लग रही हैं। टीका विका थोड़ा सा इधर हो गया, क्योंकि अब मुझे निकालना मेरा मेकअप लुक। इससे पहले मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, और ये वाला मेकअप लुक आप लोगों को पहले देखने को मिल जाएगा, और जो नहीं देख पाएंगे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और ये मुझे नहीं पता ये वाला मेकअप लुक मैं कहाँ पर शेयर करती हूँ, अपने ये वाले चैनल पर शेयर करती हूँ फिर, या दूसरे वाले चैनल पर। वैसे तो मैं इसी चैनल पर करूँगी, प्रीति मेकअप चैनल पर। तो कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर, है ना, अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। तो चलिए अब मेकअप हम रिमूव करते हैं, इससे पहले थोड़ी सी वीडियो वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है, तो चलिए फटाक से बना लेती हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूँगी, थोड़ा सा और दिखा विखा दूँगी अगर टाइम मिला तो, ठीक है। तो गाइस सुबह का खाना तो मैं बना चुकी थी, मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर की, और शाम में मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। कढ़ी जो है ना पापा जी को इतनी पसंद है, और मुझे इनको, मतलब हम तीनों लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसन को अच्छे से फेंट लिया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने नमक डाला है और कुछ भी नहीं। और जब आप कढ़ी बनाते हो ना तो इसका पेस्ट हमेशा ढीला रखा करो, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों को वैसे भी पता ही होगा, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि जब मैं कढ़ी बनाती हूँ ना तो जो मैं पकौड़ियाँ तलती हूँ ना बिल्कुल ढीला रखती हूँ, बिल्कुल ही ढीला। इससे क्या होता है ना, जो मेरी पकौड़ियाँ होती बिल्कुल सॉफ्ट बनती हैं, और कढ़ी में पकौड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए होती हैं। तो बस इसी तरीके से हम निकाल लेंगे, ज़्यादा मैंने यहाँ पे नहीं निकाली हैं, सिर्फ 3 बार में मेरी अच्छी खासी पकौड़ियाँ निकल गई हैं जो कढ़ी के लिए है। और वाकई में आप विश्वास कीजिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं खाने पे, बस आपको ढीला रखना है बेसन को। बार बार आपको बोल रही हूँ तो सॉरी, मतलब मैं रखती हूँ इसीलिए मेरी जो पकौड़ियाँ होती काफ़ी सॉफ्ट बनती। तो ये देखिए 3 बार में काफ़ी अच्छे से मेरी सारी पकौड़ियाँ निकल गई हैं, और इनको हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बस क्या करती हूँ मैं ना, कि जब ये पकौड़ियाँ बनाती हूँ कढ़ी वाली, तो इनको ज़्यादा नहीं आपको पकाना है, वरना ये टाइट हो जाती हैं। आप बोल देती हूँ तो इसके लिए सॉरी। और अब हमने थोड़ा सा सरसों के बाद हम तेल क्या करेंगे, इसमें मैंने मेथी डाली है थोड़ी सी, और थोड़ा सा लहसुन अदरक को अच्छे से हल्का सा दरदरा मैंने कूट लिया था, जो हमारा कुटना होता है ना, वो उखली जिसको बोलते हैं छोटा वाला, जिसमें हम अदरक कूनते हैं, उसी में मैंने थोड़ा सा कूना हुआ है। और इसके बाद हम डाल रहे हैं बेसन को, यानी 2 मुट्ठी मैंने बेसन लिया था, और पानी इसको अच्छे से फेंट ली थी, और इसको इस तरीके से मैंने कढ़ाई में डाल दिया है चलाते हुए, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया साथ ही साथ, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैं बना रही हूँ खट्टी वाली दही, गाँव से मम्मी ने भेजाया था मट्ठा, आधे से ज़्यादा मट्ठा हमने फिनिश कर दिया था खाकर, और आज मुझे बनानी थी कढ़ी तो इतना मैं बचा कर रखी थी। धीरे धीरे मैं इसको डालूँगी और चलाऊँगी, और मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ बताती हूँ, क्यों, अगर आप छोड़ दोगे ना तो ये फट जाएगी, फट जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब मुझे ध्यान रखना है क्या यार। तो बस फटाफट से इसको चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दूंगी तो ये फट जाएगी। तो बस इसी तरीके से सिंपल सी कढ़ी बन जाती है, वो भी 15 मिनट में, काफ़ी यमी टेस्टी वाली।
तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से बलक गई है, पक चुकी है। और अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, क्योंकि पकौड़ियाँ डालने के बाद मैं ज़्यादा देर तक पकाती नहीं हूँ, क्योंकि क्या मेरी पकौड़ियाँ जो इतनी ज़्यादा खुद ही सॉफ्ट होती है ना, तो इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर टाइट बनती हैं पकौड़ियाँ तो पकाने की ज़रूरत होती है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो बस फटाफट से हमारी बन के कढ़ी रेडी हो गई है और अब मुझे तो देखकर खाने का मन कर रहा है, लेकिन पापा के लिए वेट करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अभी बज चुके हैं 8, संडिल मंगा ले, 8:30 ऐसे ही हो रहा है। और कढ़ी बन चुकी है और ये मैंने उबाले हैं बाबू के लिए अंडे। हाँ बेटा मंगा देंगे आपके लिए बड़ी बड़ी संडिल। और जा रही हूँ मैं बाबू को देने। अंडा नहीं खाना आपको? हाँ तो चलिए फटाफट से अंडा छील लेते हैं। नहीं हाथ से तोड़ दिया मैंने, क्योंकि वो हल्का सा फूट गया था इसलिए। ये लो, ये लीजिए, खाइए। सबको बता दीजिए क्या खाने जा रही हैं आप, बताइए। इसको निकालना। इसको निकाल ले, इसको नहीं खाएंगी क्या? क्यों? बाबू पीला वाला नहीं खाती, पता नहीं क्यों उसे नहीं पसंद है, यानी जर्दी अंदर की वो नहीं खाती है। क्या खा रही है ससुर? नहीं बताना, छुपा रही हूँ। हाँ। बाबू ने छुपा लिया भाई। हटा दे। चलिए भाई बाबू अंडा खा ले वरना आप लोग देख लोगे। मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। इस रात के बज चुके हैं 10। रात को बज गए हैं 9:30। 9:30 की 10 बज रहे हैं। झूठी बोल रही है, आप लोगों को बेवकूफ बना रही है। घड़ी दिखाओ, घड़ी देख लीजिए, 9:35 है। 9:35 10 बज रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वैसे लेडीज हमेशा आगे ही रहती हैं, इसलिए 10 बज रहा होगा। बकायती बात। तो रात के 10 बज चुके हैं और बाबू आज सो गई है। सुबह उठी थी ये 10 बजे करीब उठी थी, इसलिए दिन में सोई भी नहीं और अभी सो गई है। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड कर देते हैं और पापा आते होंगे जब तक 10 बजे, तब तक जाके खाना बनाते हैं। पापा आते होंगे, खाना देना होगा, इसलिए बेटा खाना कौन बनाएगा? बनाएंगे हम, इनका पता नहीं। झूठे झूठे झूठे, कितनी झूठी झूठी बात आप लोग सुनेंगे कि बोर हो जाएंगे। झूठी आप लोग आइए देख लीजिए खुद आँख से। आँख से? आँख से तो देखते हो ना आप लोग, देख लो। आँख से ही देखते हैं, वीडियो में भी आँख से देखते हैं। तो चलिए ब्लॉग का करते हैं एंड और मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। आप लोगों को मेकअप लुक कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और चलती हूँ, अब रोटी बनानी है क्योंकि 10 बज चुके हैं, पापा आते होंगे, है ना। तो चलते फटाफट से रोटी बना लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।